और रुख अब अगली खबर का। उत्तराखंड में कोटद्वार के करीब 14 महीने बाद मसूरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम ने सुखरो नदी पर बने पुल और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और मसूरी एक्सप्रेस के संचालन को हरी झंडी दिखाई। कोटद्वार स्टेशन पर कुछ खामियां देखकर डीआरएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। स्टेशन के एंट्री गेट पर ऑटोमेटिक टिकट मशीन नहीं लगने पर डीएम ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा डीआरएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार के लिए ट्रेन में कोच हरिद्वार से ही लगेगा, साथ ही जनता की सुविधा के लिए नजीबाबाद समेत जो कुछ यात्री हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। में नई ट्रेनें चलाई जाती हैं, काफ़ी बिहार की तरफ और बंगाल की तरफ चलाई जाती हैं, तो उसको देखते हुए 3-4 दिन का एक ब्लॉक, मेगा ब्लॉक लिया गया था। अच्छा। जिससे कि ट्रैक में सुधार किया जा सके, उसकी वजह से बंद, ना कि कोई और कारण था। लिए जो है अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल एक ही ट्रेन है जिसके लिए दिल्ली जाने के लिए जो ट्रेन है मसूरी एक्सप्रेस, वो 14 सितंबर से अब आज है शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए 3 महीने पहले प्रस्ताव भेजा गया था जो कि जिसकी स्वीकृति मुख्यालय से मिल गई थी। तो करीब 14 महीनों के बाद मसूरी एक्सप्रेस का संचालन कोटद्वार के लिए शुरू कर दिया गया है। दरअसल मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा था और यही वजह थी कि ट्रेन का संचालन कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब डीआरएम ने भी प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया और इस दौरान तमाम खामियां देखकर डीआरएम ने तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं।